हम बात करने वाले हैं लियो मिशन रानीगंज, टाइगर नागेश्वर राव और फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आखिर इन तीनों मूवी ने कितने का कलेक्शन आज तक कर लिया है और कौन सी मूवी कितने का कलेक्शन कर रही है। वैसे अगर आप भी इन सभी मूवी का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लियो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि लियो ने अब तक कितने का कलेक्शन किया है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में आपको विजय थलापति और त्रिशा कृष्ण की जोड़ी देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों इस मूवी ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रही है, यानी कि आज यह मूवी बहुत ही अच्छा कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने अपने पहले ही दिन बहुत ही बढ़िया ओपनिंग लेकर तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा ओपनिंग और इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा ओपनर मूवी बन चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसके पहले, दूसरे और तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी ने अपने पहले दिन कितने का कलेक्शन किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने अपने पहले दिन लगभग 64 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस मूवी ने अपने दूसरे दिन इंडियन नेट कलेक्शन में थोड़ी ड्रॉप दिखाती हुई नजर आई थी और इस मूवी ने अपने दूसरे दिन लगभग 35 करोड़ का ही आंकड़ा पार कर पाई थी। वैसे में इस मूवी के तीसरे दिन थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला था और इस मूवी ने अपने तीसरे दिन लगभग 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अब वहीं बात करते हैं इसके चौथे और पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि आखिर यह मूवी अपने चौथे और पांचवें दिन कितने का कलेक्शन की थी। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूं, यह मूवी अपने चौथे और पांचवें दिन भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी और यह मूवी अपने चौथे दिन लगभग 42 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन की थी और अपने पांचवें दिन इस मूवी ने थोड़ा ड्रॉप दिखाती हुई नजर आई थी। इस मूवी ने अपने पांचवें दिन लगभग 25 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई थी। और वहीं अब बात कर लेते हैं इसके आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि यह मूवी अपना आज का इंडियन नेट कलेक्शन कितना कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने आज के यानी कि अपने छठवें दिन लगभग 28 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही है। वैसे में दोस्तों इस मूवी का इंडियन नेट कलेक्शन 245 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है। वहीं इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 460 करोड़ रुपए का कर चुकी है और यह मूवी ओवरसीज मार्केट से टोटल 180 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और यह मूवी इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 285 करोड़ 40 लाख रुपए का कर चुकी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टाइगर नागेश्वर राव के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइगर नागेश्वर राव को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 5 दिन हो चुके हैं और यह मूवी अपने 5 दिनों में कितने का कलेक्शन कर रही है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि टाइगर नागेश्वर राव ने सिर्फ 1200 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बावजूद भी इस मूवी ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। इस मूवी ने अपने पहले दिन 6 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस मूवी ने अपने दूसरे दिन लगभग 4 करोड़ 13 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं इस मूवी के तीसरे दिन थोड़ा ग्रोथ दिखाती हुई नजर आई थी और यह मूवी अपने तीसरे दिन लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताते चलो, इस मूवी में आपको रवि तेजा और नूपुर सेनन की जोड़ी देखने को मिलेगी और आपको बता दूं कि नूपुर सेनन की यह पहली डेब्यू फिल्म है जिसमें यह लीड रोल में देखने को मिली है। नूपुर सेनन कीर्ति सेनन की बहन है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि इसके चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि यह मूवी अपने चौथे दिन में कितने का कलेक्शन कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने चौथे दिन लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही है। वहीं आपको बताते चलो, यह मूवी अपने पांचवें दिन भी अच्छा कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है और यह मूवी अपने पांचवें दिन भी लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही है। वैसे में इस मूवी का इंडियन नेट कलेक्शन 24 करोड़ 16 लाख रुपए हो चुका है और यह मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 38 करोड़ रुपए कर चुकी है और इस मूवी का ओवरसीज से टोटल कलेक्शन 10 करोड़ 75 लाख रुपए हो चुका है और इस मूवी का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन लगभग 28 करोड़ 45 लाख रुपए हो चुका है। जैसे कि दोस्तों इस मूवी को बनाने में 40 करोड़ रुपए का बजट लगा था और यह मूवी अपने फर्स्ट वीकेंड में ही अपने बजट को रिकवर कर लेगी और यह मूवी अपने सेकंड वीक तक आते आते यह मूवी अपने नाम एक हिट का टैग ले लेगी। वैसे आपने यह मूवी देखी या फिर नहीं, तो आप बात कर लेते हैं मिशन रानीगंज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि आखिर मिशन रानीगंज 19 दिनों में कितने का कलेक्शन कर चुकी है और यह मूवी कौन कौन से मूवी का रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूं, इस मूवी ने अपने पहले दिन बहुत ही कम ओपनिंग ली थी और इस मूवी ने अपने पहले दिन 2 करोड़ 80 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई थी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, फिर भी इस मूवी ने बहुत ही कम कलेक्शन किया था अपने पहले दिन। वहीं इस मूवी के दूसरे दिन थोड़ा ग्रोथ दिखाती हुई नजर आई थी और यह मूवी अपने दूसरे दिन लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। अब वहीं बात कर लेते हैं इसके पहले वीकेंड का, तो यह मूवी अपने पहले वीकेंड में कितने का कलेक्शन कर चुकी थी, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि यह मूवी अपने पहले वीकेंड में कितने का कलेक्शन कर पाई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने पहले वीकेंड में 18 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन की थी और इस मूवी ने अपने दूसरे वीकेंड में भी ठीक ठाक ही कलेक्शन करती हुई नजर आई थी और यह मूवी अपने दूसरे वीकेंड में 11 करोड़ 75 लाख रुपए कलेक्शन की थी। अब वहीं बात करते हैं इसके 15वें और 16वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलो, इसके 15वें और 16वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई थी और यह मूवी अपने 15वें और 16वें दिन लगभग 80 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पा रही है।
और यह मूवी अपने 17वें दिन भी बहुत ही कम कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है और यह मूवी अपने 17वें दिन भी लगभग 50 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर पा रही है। ऐसे में इस मूवी 18वां और 19वां दिन कितने का कलेक्शन कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने 18वें और 19वें दिन लगभग 90 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पा रही है। वैसे में इस मूवी का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 33 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 47 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है और इस मूवी ने ओवरसीज मार्केट से 10 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई है। वैसे में इस मूवी का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 36 करोड़ रुपए हो चुका है और इस मूवी को बनाने में 100 करोड़ रुपए का बजट लगा है। वैसे आपको क्या लगता है कि यह मूवी अपने बजट को रिकवर कर पाएगी या फिर नहीं? जैसे कि दोस्तों इस मूवी में हमें अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा लीड रोल में देखने को मिली थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि आखिर फुकरे 3 अपने 29 दिनों में कितने का कलेक्शन कर चुकी है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताते चलो, फुकरे 3 में सेम स्टार कास्ट इस बार भी देखने को मिले हैं और यह मूवी बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग मूवी है और इस मूवी ने अपने पहले दिन लगभग 8 करोड़ 82 लाख रुपए का कलेक्शन किया। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि आखिर इस मूवी ने अपने दूसरे दिन कितने का कलेक्शन किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 7 करोड़ 81 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज कलाकार देखने को मिले हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं इसके पहले वीकेंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि यह मूवी अपने पहले वीकेंड में कितने का कलेक्शन कर पाई थी। इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड में 66 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी के दूसरे वीकेंड में बहुत ही ज्यादा ड्रॉप दिखाती हुई नजर आई थी और यह मूवी अपने दूसरे वीकेंड में लगभग 15 करोड़ 27 लाख रुपए का ही सिर्फ कलेक्शन कर पाई थी। वैसे में इस मूवी ने अपने तीसरे ड्रॉप दिखाती हुई नजर आई थी और यह मूवी अपने तीसरे वीकेंड में 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर पाई। वही बात करते हैं इसके 23वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में, यह मूवी अपने 23वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन कितने का कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने 23वें दिन लगभग 40 लाख रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन कर रही है। और वहीं बात कर लेते हैं इसके 24वें और 25वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी अपने 24वें और 25वें दिन लगभग 90 लाख रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन कर रही है। वहीं अब बात करते हैं 26वें दिन और 27वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि यह मूवी अपने 26 और 27वें दिन कितने का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलो, यह मूवी अपने 26वें और 27वें दिन लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही है। वहीं अब बात करते हैं यह मूवी अपने 28वें दिन बहुत ही कम कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है और यह मूवी अपने 28वें दिन लगभग 20 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर रही है। अब वहीं बात करते हैं इसके 29वें दिन यानी कि आज के दिन कितने का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने आज के दिन यानी कि आज यह मूवी कितने का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने आज के दिन लगभग 30 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। वैसे में इस मूवी का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 101 करोड़ रुपए हो चुका है। अब वहीं बात करते हैं इस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में कि आखिर यह मूवी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितने का कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 140 करोड़ रुपए का कर चुकी है और यह मूवी ओवरसीज मार्केट से 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। और वहीं यह मूवी इंडियन ग्रॉस कलेक्शन भी ठीक ठाक कर रही है और इस मूवी ने इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 119 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को बनाने में 40 करोड़ रुपए का बजट लगा था और इस मूवी को 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। वैसे आपने इन चारों मूवी में से कौन सी मूवी देखी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।